A very good morning to all my dear students. I hope you all are doing great at your home. Welcome to your computer class. Today we will learn about chapter number two. Let's get familiar with computers. And this is the part one of this chapter. As the name suggests, Beta, let's get familiar with computers. Hame computers. को जानना है ठीक है इस चैप्टर में हम यही सब सीखेंगे ओके? ओकेर आर द सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंप्यूटर बेटा आप सब में भी कुछ क्वालिटीज होती हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हिंदी में हम इनको विशेषता बोलते हैं ओके आपके मम्मा जैसे टेस्टी खाना बनाती हैं आपके पापा वर्क करते हैं तो इस तरह से आप कह सकते हैं माई फादर इज वेरी हार्ड वर्किंग माई मदर कुक्स वेरी टेस्टी सो इसी तरह से बेटा कंप्यूटर है तो एक मशीन बट उसकी भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पढ़ते हैं बेटा हेयर इज एन पिक्चर हेयर इज ए पिक्चर ऑफ अ कंप्यूटर ठीक है आप सबको विजिबल है पिक्चर दिख रही है आपको इस पिक्चर में बेटा यस yes, बेटा इस पिक्चर में देखिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स हैं दिखाई दे रही है सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बेटा आई वर्क वेरी फास्ट ये कौन बोल रहा है ये कंप्यूटर आपको बता रहा है कि मैं फास्ट वर्क करता हूँ ओके फास्ट मीन्स जल्दी वर्क करता हूँ नेक्स्ट क्या है बेटा नेक्स्ट है आई कैन डू कैलकुलेशंस कंप्यूटर क्या कह रहा है कंप्यूटर बोल रहा है कि आई कैन डू कैलकुलेशलकुलेश भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन से मतलब यहाँ पर बेटा आपके जैसे मैथ्स में आपने सम्स करते हैं प्लस करते हैं माइनस करते हैं वो कैलकुलेशंस होती है तो आप कंप्यूटर के अंदर भी कैलकुलेशंस कर सकते हैं नेक्स्ट बेटा आई कैन डू मैनी थिंग्स एट अ टाइम क्या बहुत इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा कि मैं एक समय पर बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ ओके नेक्स्ट इज बेटा आई कैन स्टोर मैनी थिंग्स मैं अब बहुत सारी चीजें स्टोर कर सकता हूँ स्टोर का मतलब जैसे आप अपनी फाइल बनाते हैं सेव कर लेते हैं ओके और आप अपने फोटोज अपनी वीडियोज और भी बहुत सारी चीजें आप कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज बेटा आई नेवर गेट टायर्ड मैं कभी भी थकता नहीं हूँ क्यों नहीं थकते हैं बिकॉज इट्स अ मशीन समटाइम्स बेटा टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कंप्यूटर्स में कुछ प्रॉब्लम्स आ, आ जाती हैं बट एक कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्यूटर की होती है आई नेवर गेट टायर्ड मैं कभी भी थकता नहीं हूँ ओके नेक्स्ट है बेटा आई रिमेंबर मैनी थिंग्स मैं चीज़ों को याद रखता हूँ जैसे कि बेटा हमने एक फाइल बनाई आज उसको हमने सेव किया आपने अपने नाम से सेव कर दिया एंड यू वॉन्ट टू ओपन इट नेक्स्ट डे ठीक है तो आप उस फाइल को ओपन कर सकते हैं आपके कंप्यूटर में वो रहेगा याद रखता है आपका कंप्यूटर ठीक है बेटा लास्ट बेटा आपका आई नेवर मेक एनी मिस्टेक मैं कभी भी कोई गलती नहीं करता हूँ ठीक है बेटा ये हो गई आपके कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स नाउ प्रोसीड टू नेक्स्ट यस yes. नाउ बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स ओके देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स वन इज डेस्कटॉप कंप्यूटर सेकेंड इज लैपटॉप एंड थर्ड इज पाम टॉप सो पहले हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर दैट इज कैप्ट ऑन अ डेस्क डेस्कटॉप कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनको के डेस्क पर रखा जाता है जैसे कि आपको यहां देखिए एक बेटा मैंने पिक्चर भी दिखाई है आपको यहां पर एक डेस्क है और उस डेस्क पर कंप्यूटर रखा हुआ है ठीक है दूसरा क्या आप इसके बारे में बता सकते हैं दैट इट इज बिग इन साइज ये साइज में बिग होते हैं ठीक है बेटा नेक्स्ट आता है आपका लैपटॉप लैपटॉप कंप्यूटर इज स्मॉल इन साइज लैपटॉप कंप्यूटर साइज में स्मॉल होते हैं एंड दैट कैन बी इजीली केप्ट ऑन अवर लैप और जिसको इजीली हम अपनी लैप में रख सकते हैं जैसे कि आपको पिक्चर में भी विजिबल है एक लेडी है उन्होंने लैप पर अपनी कंप्यूटर को रखा हुआ है लैप को हिंदी में बेटा गोदी बोलते हैं ठीक है जैसे आप कभी कभी अपनी मम्मा की गोद में भी बैठते होंगे ना इस तरह से हम कंप्यूटर को अपनी लैप पर रखकर वर्क कर सकते हैं ये स्मॉल साइज में स्मॉल होते हैं और इनका मॉनिटर कीबोर्ड इन्हीं में होता है बेटा इन बिल्ट होता है ओके okay? नेक्स्ट आता है बेटा आपका पाम टोप इज वेरी स्मॉल इन साइज पाम बहुत छोटे होते हैं साइज में दैट कैन फिट इन टू द पाम ऑफ अवर हैंड जो कि हमारे हैंड की पाम में फिट हो जाते हैं देखिए बेटा जैसे आपको पिक्चर में दिख रहा है एक हैंड दिख रहा है ये जो हैंड है ना इस पोर्शन को हम पाम बोलते हैं हिंदी में इसको हथेली बोलते हैं ठीक है तो ऐसे कंप्यूटर्स ऐसे डिवाइसेस जो हमारे हैंड के पाम में फिट हो जाते हैं वो हमारे पाम टोप कहलाते हैं इनका सबसे अच्छा एग्जाम्पल बेटा आप जैसे कि मोबाइल फोन्स ओके आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा आज हमने क्या क्या सीखा है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं कंप्यूटर्स की और कंप्यूटर्स कितनी तरह के होते हैं ठीक है बेटा दैट्स ऑल फॉर टूडे हैव अ वंडरफुल डे थैंक यू बाय बाय बेटा स्टे होम स्टे सेफ एंड फॉलो द रूल्स ऑफ कोरोना ठीक है बेटा हैंड वॉश करते रहिए रेगुलरली एंड डोंट गो आउटसाइड बाय बाय टेक केयर